चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारे आईटी गुरु एजुकेशन की दुनिया से। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द आईटी गुरु, माय सेल्फ शुम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग बताने वाला हूं दोस्तों कि मैं पर्सनली कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूं अपने पीसी के लिए अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप इंस्टॉल करें अपनी पीसी में और दोस्तों कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेक श्योर कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने है मेरा पीसी और इसमें दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं दोस्तों कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए और दोस्तों हम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्रोम में आना है और क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है आइसक्रीम, ओके सैंडविच, ओके सैंडविच, कुछ भी आप गलत टाइप करेंगे गूगल है सही कर देगा, ठीक है, डोंट वरी। और यहाँ पे आप सीधे, ठीक है, स्क्रीन कैप्चर या फिर स्क्रीन जो भी है आप ऐसे डाल के ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पहली लिंक आएगी जो कि है स्क्रीन रिकॉर्डर, रिकॉर्ड स्क्रीन फॉर फ्री। तो यहाँ पे icecreamapps.com आप यहीं जाइएगा, इसी लिंक से फॉलो करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आपको सिंपली यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और जहां पे इसके दो वर्जन है, फ्री वर्जन और प्रो वर्जन, ठीक है। तो यहां पे ये भी लेटेस्ट वर्जन है 6.05, तो सिंपली हम इसी को पहले डाउनलोड करते हैं फ्री वाला वर्जन। तो सिंपली हम फ्री पे क्लिक करेंगे और हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी यहां पे। तो वेट करते हैं और यहां पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो हमारी डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आप यहां पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी वेट करते हैं कि जब तक ये हमारा जो डाउनलोड है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरी जो डाउनलोडिंग है दोस्तों वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसे सिंपली शो इन फोल्डर कर लेते हैं जहाँ पे ये डाउनलोड होके गई होगी। तो सिंपली हम इसे दोस्तों राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ से आपके आपसे परमिशन मांगा जाएगा अगर आप विंडोज 10 या फिर विंडोज 8 चलाते हैं। तो एक बार आप इसको परमिशन दे दीजिए, अलाउ करिए और फिर यहाँ पे दोस्तों एक एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्तों परमिशन आपसे मांगेगा। तो यूज़र कंट्रोल का है तो यस करिए। तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये पहला मेन्यू कुछ इस टाइप का मिलेगा इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए किस लैंग्वेज में आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी आप लैंग्वेज आप प्रीफर करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही लूँगा और इसको ओके कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ लेनी है सही से, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ से आप से पूछेगा दोस्तों कि आप इस सॉफ्टवेयर को आप किस लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, किस ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हैं या किस जगह इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो सिंपली ये जो बाय डिफॉल्ट है मैं हमेशा बाय डिफॉल्ट ही चूज करता हूं, यानी सी ड्राइव में हमेशा जाता है प्रोग्राम फाइल्स में। तो ये ऑटोमेटिक जो लोकेशन है वो चूज कर लेगा, उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूछ रहा है दोस्तों कि क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट। अगर आपको डेस्कटॉप शॉर्टकट बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। अगर आपको क्रिएट अ क्विक लॉन्च शॉर्टकट, ठीक है, अगर आपको क्विक लॉन्च शॉर्टकट बनाना है तो आप बना सकते हो, या फिर आप इंस्टॉल कोडेक्स, ठीक है, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप करिए, अदरवाइज रहने दीजिए अगर आपके पास पहले से मौजूद है। तो हमें तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्या पता आपके सिस्टम में है या नहीं है, तो सभी को आपको चेक कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको एक बार और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी पीसी में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेगा सभी फाइलों को और उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल आपका कर देगा आपके पीसी में। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और ये दोस्तों एक थैंक यू लेटर है भैया आइसक्रीम्स रिकॉर्डर की तरफ से। तो इसको आपको क्लोज कर देना है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। और उसके बाद आपसे यहाँ पे ये लॉन्च आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर, तो सिंपली आपको अगर लॉन्च करना है तो आप यहाँ से फिनिश करिए, अदरवाइज इसको अनचेक कर दीजिए तो लॉन्च नहीं होगा। तो हम इसको लॉन्च कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन 6.05 है और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर का। ओके, तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो है कैप्चर वीडियो, ठीक है, यानी वीडियो को आप डायरेक्ट यहीं से आप कैप्चर कर सकते हो। अगर आप फुल स्क्रीन करते हो तो यहाँ पे
फुल स्क्रीन में आपका जो ये कैप्चरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी फुल स्क्रीन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये अलग पैनल मिलता है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इन पैनल से दोस्तों क्या होता है। और उसके बाद अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो यहाँ से हम वापस आ जाएंगे। फिर है दोस्तों कस्टम एरिया, तो यहाँ से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से दोस्तों कस्टम एरिया जो है अपना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको इतना रिकॉर्ड करना है या इतना रिकॉर्ड करना है या इतना। ठीक है, तो ये आप चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने लास्ट एरिया। ठीक है, तो जो लास्ट एरिया है हमारा, ठीक है, वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी लास्ट बार हमने जहाँ पे इसको छोड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको और कर लेते हैं, यहाँ पे और देखते हैं। और एरिया ऑटो डिटेक्शन, ठीक है, तो ये ऑटो डिटेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कर्सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है होवर कर्सर ओवर एनी विंडो टू एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम अगर इसको यहाँ पे होवर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एनालाइज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास टास्क, तो टास्क में आप आएंगे तो जो भी चीज़ें आप टास्क इसमें करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे कि स्क्रीन कैप्चर करेंगे या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी टास्क लिस्ट में अपीयर होंगी। फिर बैक आते हैं और यहाँ पे है अराउंड माउस। ठीक है, और अगर हम अराउंड दोस्तों माउस करते हैं तो यहाँ पे हम माउस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो साइज़ ले सकते हैं। तो अगर सपोज़ कि यहाँ पे मैंने ये 4:3 किया तो अब जो हमारी रिकॉर्डिंग दोस्तों स्टार्ट होगी वो 4:3 में ही होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो हमारा है गेम कैप्चर। ठीक है, तो यानी अगर आप दोस्तों गेम कैप्चर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको गेम कैप्चर करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F6 यूज़ हॉटकीज़ टू स्टार्ट स्टॉप इन अ गेम रिकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप F6 प्रेस करते हो तो दोस्तों इन गेम में जब आप गेम में रिकॉर्डिंग कर रहे होगे तो ये स्टार्ट स्टॉप का काम करेगा। तो यहाँ से आप जो FPS है वो सेट कर सकते हो, यानी फ्रेम पर सेकेंड, तो जितना भी आपको लेना 60 FPS तक आप मैक्सिमम जो है वो आप इस पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, जो क्वालिटी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लो हाई मीडियम आपको जैसा भी चाहिए। ठीक है, कोडेक कौन सा रहे तो आप यहाँ पे S.264 ले सकते हैं या फिर MPJ ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स भी दी जानी, वो मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद है यहाँ पे स्क्रीनशॉट, तो अगर आपको सीधे स्क्रीनशॉट लेना हो किसी भी चीज़ का तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने पहले नहीं बताया था आपको, ये जो साइड में कॉर्नर दिए जा रहे हैं, ठीक है, आप इसका यूज़ करके दोस्तों आप रिसाइज कर सकते हो, यानी अपना जो एरिया है वो आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है दोस्तों, अगर आपको एरिया सिलेक्ट करना हो तो सिंपली आप कॉर्नर में जाइए, ठीक है, और एक्सिस को आप पकड़िए और इसे आप मूव करिए। ठीक है, और आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप दोस्तों इसको मूव कर सकते हो। सपोज़ कि मैंने इसको छोटा कर लिया तो अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ, कहीं भी किसी भी जगह मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे एक अच्छा फीचर लगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लोज करिए। उसके बाद आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो, तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे कैप्चर में मिल रही थी, सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिल रही हैं। उसके बाद है कैप्चर ऑडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर सिर्फ ऑडियो कैप्चर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे कर सकते हो, यानी हाई बिटरेट, मीडियम बिटरेट, लो बिटरेट। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहते हो, अगर आप हाई बिटरेट रखते हो तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी आएगी, अगर आप मीडियम रखते हो तो हाई से थोड़ा लो आएगी, और लो में आपकी बहुत ही बेकार वॉइस आएगी, मीन्स इतनी बेकार भी नहीं आएगी, बस थोड़ा सा उसका बिटरेट जो रहेगा वो कम रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे सामने है सेटिंग्स का ऑप्शन। तो सेटिंग्स दोस्तों हमें पहले ही सेट कर लेनी है, अगर जब हम फर्स्ट टाइम में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स हैं दोस्तों कुछ, आप ये ध्यान दीजिए। स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट का आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज जो है आप यहाँ से फिर चेंज कर सकते हो। स्टार्ट विद विंडोज़, अगर आप इसको चेक कर सकते हो तो विंडोज़ के साथ में ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और प्रीलोड विद विंडोज़, ठीक है, अगर आप विंडोज़ के साथ इसको प्रीलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक करोगे और ये प्रीलोड हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे चेक फॉर द अपडेट्स ऑटोमेटिकली, अगर आप दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आप दोस्तों इसको चेक करिए और ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक ही अपडेट्स होने लगेगा, यानी जब भी इसको नेटवर्क कनेक्शन मिलेगा। और ये दोस्तों अगर नया सॉफ्टवेयर, अगर नया वर्जन इस आइसक्रीम सैंडविच रिकॉर्ड का अगर मौजूद है तो वहाँ से आपकी ऑटोमेटिक ही अपडेटिंग करने लगेगा। फिर है दोस्तों सेंड अनोनमस यूजर स्टैटिक्स, अगर आप दोस्तों अनोनमस का यूजर स्टैटिक्स अगर निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो दोस्तों, तो इसको आपको चेक अनचेक कर लेना है। ठीक है, वैसे इन सब चीज़ों का कोई बहुत ही ज़्यादा काम नहीं है, आपको सिंपली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो ये सब आप स्किप करिए। ओके, तो यहाँ पे सो नोटिफिकेशन, अगर इस आइसक्रीम का कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन के लिए भी चेक कर सकते हो। एरिया सिलेक्शन जूमर, अगर आपने कोई एरिया सिलेक्ट कर रखा है और अगर आप उसको जूमर सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, और फिर है डोंट शो क्लोज बटन एक्शन ऑन पॉपअप। ठीक है, तो यानी जो क्लोज बटन का जो पॉपअप है वो शो हो कि ना हो तो आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो, जो भी आपको करना हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे है वेबकैम, तो वेबकैम यहाँ पे जो अभी आपका बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई वेबकैम है नहीं,
तो यहाँ पे ये जो इंटरनल है हमारे लैपटॉप का वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, उसके बाद है सेव टू। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि कहाँ पे सेव हो, ठीक है, यानी जो हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो तो कहाँ पे सेव हो। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे तो हम कहीं भी इसकी लोकेशन जो है वो दे सकते हैं। अभी जो हमारा बाय डिफॉल्ट है वो डेस्कटॉप पे है, ठीक है, तो यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। दूसरा है सेव स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट आप कहाँ तक दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्स फाइल साइज है, ठीक है, यानी जो मैक्सिमम आपकी रिकॉर्डिंग साइज है वो 400, ठीक है, 4096 MB तक ही जाएगी, यानी अराउंड 4 GB तक, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्क स्पेस है वो, ठीक है, 1024 MB ही है, ठीक है। तो आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, आपको जो भी करना हो। कस्टमाइज आउटपुट फाइल्स नेम, अगर आप जो फाइल्स नेम है उनको आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो आप बाद में फाइल्स को, जो आउटपुट फाइल्स है उसको, उसका जो नेम है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी आप रीनेम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, यहाँ पे दूसरा जो टैब है हमारा वो है वीडियो का। अब वीडियो टैब क्या है दोस्तों, यहाँ पे है वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। हमें पहले वीडियो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, हमें किस फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप बाय डिफॉल्ट आते हो तो दोस्तों कभी कभी यहाँ पे वेब एम लिखा रहता है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट लगा रहता है, लेकिन हमेशा आपको MP4S264 पे ही रखना चाहिए, क्योंकि जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो ज़्यादातर इसी कोडेक को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही वाइडली यूज होता है, तो आप इसी कोडेक को यूज करिए, S264 को, ओके। और यहाँ पे है वीडियो क्वालिटी, तो वीडियो क्वालिटी हमेशा हमको हाई रखनी है ताकि हमारा जो बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, बेस्ट डिस्प्ले हम दिखा पाएं, ओके। और यहाँ पे दूसरा है दोस्तों रिकॉर्ड माउस मूवमेंट, यानी माउस के जो मूवमेंट्स हैं उनको अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप चेक करिए, अगर अदरवाइज अनचेक कर दीजिए। एनिमेट माउस क्लिक, अगर हम माउस क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एनिमेट हो या ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है, अनचेक अनचेक। और उसके बाद है हाईलाइट माउस का, अगर आपको माउस पॉइंटर के ऊपर, जो मैं अपनी वीडियोस में आप देखते हैं कि मैं एक येलो कलर का हाईलाइटेड पॉइंट रखता हूं ताकि मैं जहां भी कर्सर अपना ले जाता हूं तो वो हाईलाइट होता रहता है, तो आप वो यहां से लगा सकते हो। उसके बाद है दोस्तों आपका डिजेबल स्क्रीन सेवर, ठीक है, अगर आप अपना स्क्रीन सेवर जो है वो डिजेबल करना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, वाइल रिकॉर्डिंग द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो, ठीक है। आप जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आप इसको स्क्रीन सेवर को आप डिजेबल कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे है स्लो काउंटडाउन, ठीक है, आप स्लो काउंटडाउन को अनचेक और चेक कर सकते हो, ठीक है। स्लो काउंटडाउन का मतलब कि 3, 2, 1, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना हो तो आप इसे अनचेक कर दो, अदरवाइज आप स्लो काउंटडाउन करना हो तो आप कर लो, यानी वो आप जैसे ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाएंगे तो वहाँ पे आपको आएगा 3, 2, 1, ठीक है, तो ऐसे आएगा, तो इससे ये पता चलता है कि अब हमारा जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होना अभी शुरू हो जाएगा। सो अब हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड हॉट कीज़ यूज्ड, ठीक है। तो हॉट कीज़ का मतलब ये हुआ कि आप जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे होते हो दोस्तों, तो अगर आप मान लीजिए कि आप किसी सॉफ्टवेयर में हो, सपोज़ कि मैं एडोबी फोटोशॉप में हूँ या फिर फिल्मोरा में हूँ, तो वहाँ पे जो हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं तो उस शॉर्टकट कीज़ को ये हाईलाइट करेगा, ठीक है, आपको अलग से एडिटिंग में डालना नहीं पड़ेगा, ये हाईलाइट होगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा क्लिक किए रहो, ठीक है, यानी चेक किए रहो, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और जो भी आप हॉट कीज़ या शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो वो दोस्तों यहाँ पे हाईलाइट होगा आपकी वीडियोस में, तो ये बहुत हेल्पफुल जो ऑप्शन है ये होने वाला है, ठीक है। तो हाइड डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको डेस्कटॉप हाइड करना हो व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियोज़ ओनली, ओके, ठीक है, जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करोगे तो जैसे ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करोगे दोस्तों, तब अगर आपको ये सभी जो डेस्कटॉप के आइकन्स हैं इनको अगर आपको हाइड करना है तो ये काम आएगा, ओके। तो यहाँ पे आप अनचेक और चेक कर सकते हो इसको भी। अभी दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों यहाँ पे वाटरमार्क, तो सिंपली हमें दोस्तों वाटरमार्क पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए तो आप कोई सा भी इसको एक वाटरमार्क दे सकते हैं, आप इमेज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप वाटरमार्क की जो ऑपेसिटी है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मेरा ये रजिस्टर्ड वर्जन है, ठीक है, मेरा प्रो वर्जन है, ठीक है, तो ये इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको रजिस्टर कर रखा है, तो यहाँ पे मेरे लिए ये ऑप्शन ओपन है, अगर अदरवाइज अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ओपन नहीं रहेगा। उसके बाद है दोस्तों ऑडियो का, तो ऑडियो में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो, ठीक है, तो ऑडियो पे हम पहले चेक करेंगे, अगर ये अनचेक नहीं रहेगा तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं। ऑडियो का मतलब ये नहीं कि जो मैं माइक से बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑडियो का मतलब जो आपकी बैकग्राउंड में वॉइस चलेगी, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक्स हैं, ठीक है, किसी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन हैं, ठीक है, तो वो जो ऑडियोज रहती हैं वो आपकी रिकॉर्ड ऑडियो में होती है, ठीक है, तो रिकॉर्ड ऑडियो को आपको अगर चेक करना हो या अनचेक करना हो तो आप वो कर सकते हो। फिर है नीचे रिकॉर्ड माइक्रोफोन, रिकॉर्ड माइक्रोफोन का मतलब अब जो मैं अपनी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेवफॉर्म्स हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप ये अनचेक कर दोगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, ओके, आप माइक कनेक्ट किए रहोगे, बोल रहे होगे, लेकिन वॉइस आएगी ही नहीं, तो इसको आप यहाँ से कर सकते हो, आप ऐसे
ठीक है, जितनी आपको लेनी हो, तो ये जैसा बाय डिफॉल्ट रहता है आप वैसे ही छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ पे है ओपन मिक्सर, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे मिक्सर ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम का ओपन मिक्सर है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मिक्सर ये नहीं है। उसके बाद है माइक्रोफोन डिवाइसेस, तो यहाँ पे जो भी आप अलग से यूएसबी जो माइक्रोफोन्स हैं या फिर आपने प्लग इन कर रखे होंगे अपने 3.5 mm जैक में माइक्रोफोन, तो वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरनल है, ठीक है, ये आउट जो मैंने लगा रखा है, ठीक है, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे माइक से आ रही आवाज़, और अभी जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है, वो हमारे इंटरनल माइक से आ रही है। तो ये अभी आप चीज़ें आप ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका माइक्रोफोन है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑडियो डिवाइस हमारा कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो ऑडियो डिवाइस वही होता है कि दोस्तों जो ऑडियो डिवाइस आप बाहर लगा रखे होगे आउटपुट के लिए, यानी आप इसका लैपटॉप का स्पीकर भी हो सकता है, अगर आप बाहर वूफर सेट कर रखे होगे तो वो भी आप यहां से देख सकते हो। उसके बाद यहां डोंट शो रीस्टोर ऑडियो वॉल्यूम पॉपअप, तो अगर आपको जो ऑडियो का जो पॉपअप है अगर वो बार बार क्रिएट हो रहा है तो यहां पे आप इसको, ठीक है, अनचेक और चेक कर सकते हो, ठीक है, तो जैसा भी आपका वो। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों रिफ्रेश डिवाइस, तो रिफ्रेश डिवाइस में सिंपली वही है कि अगर आपने कोई नया माइक्रोफोन लगाया अगर यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करिए और वो माइक्रोफोन आपकी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हॉट कीज, ठीक है, तो हॉट कीज का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे शॉर्टकट कीज, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको मिल रही हैं, तो यहाँ पे इन शॉर्टकट कीज का आप यूज़ करके दोस्तों आप बहुत सारी जो नेविगेशन है वो इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर कर सकते हो, ठीक है, यानी रिकॉर्ड पॉज ऑडियो, स्टॉप, स्टॉप के लिए F8 दबाएंगे, स्क्रीनशॉट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस T दबाएंगे, कॉपी के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस C दबाएंगे, तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है, आप चाहो तो इन्हें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कि ये F7 है, तो अब F7 को अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी की दबा देनी है, ठीक है, तो कीबोर्ड की सपोज कि मुझे यहां पे दे देना है, ठीक है, तो ध्यान दें कि यहां पे पहले यूज ना हुआ हो, तो F8 यूज हुआ है, F9 यूज हुआ है, F6 यूज हुआ है, F10 यूज हुआ है, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, F11 कर देते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड पॉज वीडियो था वो पहले F7 से था लेकिन अब F11 से होगा, यानी जैसे मैं F11 दबूंगा तो यहाँ पे जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो रिज्यूम और पॉज होगी, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं F7 प्रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है, आपको जो भी आपका जो फेवरेट की हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, हर एक ऑप्शन के लिए। तो चलिए इतनी सब चीज़ें हो गई, शेप सेटिंग करते हैं और उसके बाद अब हम यहाँ सीधे दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे सपोज कि मेरा ये फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप जैसे यूज़ करेंगे बाय डिफॉल्ट जितनी भी आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो यहाँ पे अभी जो मेरे डेस्कटॉप का स्क्रीन है वो फुल HD है, ठीक है, यानी मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो फुल HD है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो रेजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल है, ठीक है, तो ये फुल HD का रेजोल्यूशन होता है। कुछ में अगर आपके लैपटॉप में अगर आपको सिर्फ HD मिलता होगा तो वहाँ पे आपको 1366x756 ऐसे कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप मैन्युअली यहाँ पे इनपुट कर सकते हो, सपोज कि मुझे 1080 लेना है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा। उसके बाद है 1920, तो ये रेजोल्यूशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा होवर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों रिकॉर्ड का, ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टॉप यहाँ से कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट कीज है F8 अगर आपको स्टॉप करना है, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने टाइमर, तो टाइमर अगर हमें सेट करना है तो यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग आफ्टर, तो टाइमर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, तो यानी अगर हमें 60 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो हम यहाँ पे टाइमर लगा देंगे तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है, अभी मुझे टाइमर का कोई काम नहीं है, आप लगाना हो तो आप लगा सकते हो। उसके बाद है दोस्तों एरिया, तो एरिया मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर रखा है, आप एक बार क्लिक करोगे, ठीक है। और उसके बाद है ड्रॉ, दोस्तों जब भी आप चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस दौरान दोस्तों आपको कुछ जो ड्रॉइंग करनी होती है तो आप यहाँ से कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों वेबकैम, अगर आपको वेबकैम अपना ऑन रखना है तो, ठीक है। और यहाँ पे है दोस्तों ऑडियो, तो आप यहाँ से ऑडियो देख सकते हो दोस्तों, अगर आपकी ऑडियो बैकग्राउंड प्ले हो रही होगी तो। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन की जो वेवफॉर्म्स हैं आपको यहाँ मिलेंगी और आप इसको माइक्रोफोन का वॉल्यूम
वॉल्यूम है आप अप डाउन कर सकते हो, ठीक है, यानी इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपैंड करोगे तो बहुत सारे प्रीसेट आपको मिलते हैं, ठीक है, रिजोल्यूशन के, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको करना है तो, ठीक है। यहाँ पे फुल स्क्रीन अभी मेरा है, ये फुल HD है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1366x768 ये आपका एक नॉर्मल लैपटॉप जो आता है HD स्क्रीन वाला, ये उसका रेजोल्यूशन है, ठीक है। और ये 1280x720 मीन्स 4:3 वाला जो ऑप्शन होता है 720p के लिए, ठीक है, वो आपका यहाँ से इनेबल होगा। तो यहाँ पे हम एस छोड़ देते हैं, जो भी जैसा भी है मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये बाय डिफॉल्ट ले ही लिया है, तो अब मैं इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, तो यही हमारा होता है दोस्तों टाइमर, तो 3, 2, 1 एंड हेयर वी गो, ठीक है। हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो अब स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और यहाँ पे जो मेरा लोकेशन है यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारी आ गई, ठीक है। ये वही रिकॉर्ड जो अभी चीज़ें हो रही है उसी का ये हमारा ये वीडियो है, ओके। तो ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें, ठीक है, तो अभी हम इसको प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी अब अगर आपको यहाँ पे कोई ड्राइंग करना हो, जैसे सपोज़ कि मुझे बताना है ये एनीडेस्क क्या है, तो सपोज़ कि हम यहाँ पे आएंगे, ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ढेरों ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बेसिकली करते क्या है, ठीक है, पहला है पेंसिल, ठीक है, अगर आपको पेंसिल से कोई चीज़ ऐसे ड्रॉ करनी हो, ठीक है, फिर आप अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, और तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको इसको इरेज करना है तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप यहाँ पे आइए, अंडू कर दीजिए और ये इरेज हो जाएगा। उसके बाद है अगर हमें कोई चीज़ इंडिकेट करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ हमको इसको इंडिकेट करना है, या फिर इसको तो माउस की हम जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस किए रहेंगे और इसको हम कहीं भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी अंडू कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ कि ये है आपका, कुछ हाईलाइट करना हो आपको तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट अगर आपको सपोज़ कि इसके बारे में बताना है तो आप कहीं भी ऐसे टेक्स्ट क्लिक करो और यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट सैम्पल, ठीक है, तो ये आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अगर कहीं भी दिखाना हो तो आप कर सकते हो, इसको मैं भी अंडू कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने ये टेक्स्ट का साइज़, तो हम ये इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर हमारे सामने स्क्वायर, तो हम स्क्वायर से भी ऐसे चीज़ें जो हैं हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको करना हो, ठीक है, इसको भी हम अंडू कर देंगे। और उसके बाद है सर्किल, तो सर्किल से भी हम कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है, ये हमारा सर्किल हो गया। उसके बाद ये हमारा एक लाइन होगी सिंपली, और उसके बाद है 1, 2, 3, तो सिंपली हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अगर हमको कुछ कोई चीज़ दिखाना हो तो हम बहुत ही आसानी से दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सबको अगर इरेज करना हो तो, ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों इनको रिसाइज करना है तो सिंपली किसी पर भी क्लिक करिए और आप इनको साइज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इनकी साइज जो है इनक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। सभी चीज़ें मैं अंडू कर दूंगा और सभी चीज़ों क्लियर आल पे क्लिक करूंगा, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कि मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, तो लाइन लेने से पहले, ड्रॉ करने से पहले हमें कलर चूज करना है, तो सिंपली हम ब्लू कर लेंगे और ये हमारी ब्लू लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ओके। तो ये कुछ ऐसे वर्क कर सकती है, करती है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों जूमर, तो हम यहाँ पे जूम कर सकते हैं, ठीक है, तो वाइल्ड रिकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें काम आएंगी, तो ये शॉर्टकट आप याद कर लीजिए तो जूम इन और जूम आउट करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका वेबकैम और ये सब चीज़ें मैंने बता ही दी, तो इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों ये आइसक्रीम सैंडविच ऐसे ही काम करता है दोस्तों। तो ये जो ट्यूटोरियल्स था ये बेसिकली दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर था, आप यूज़ करिए। और अगर आपको दोस्तों कोई आपको कंफ्यूजन है इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आप हेल्प के लिए कह सकते हैं दोस्तों, और मैं आपको कोशिश करूंगा दोस्तों वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो थी दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर ये आपको पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।